ये हमारा IoT बेस्ड स्मार्ट स्टेशन नंबर 1 है। इसमें ट्रांसमिट करने के लिए IR सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे NodeMCU Wi-Fi लगा हुआ है और GPS लगा हुआ है, 5 वोल्ट कन्वर्टर लगा हुआ है। इसे पावर देने के लिए हम पावर बैंक और बैटरी का यूज कर रहे हैं। हमारी ये IoT बेस्ड स्ट्रक्चर नंबर 2 है। हमारा स्मार्ट स्टेशन अस्पताल के वाईफाई से जुड़ा होगा। आपको इसे अगर जो दूर से देखना हो तो आप फ़ोन पे जाएंगे, प्ले स्टोर से MyMQTT ऐप इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं MyMQTT ऐप, इसे खोलेंगे। फिर आप यहाँ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये लिखना रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे, फिर आप बैक जाएंगे, यहाँ सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने दोनों स्टेशन का नाम दिया है S_01, S_02। देखते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। अब आप डैशबोर्ड पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको रीडिंग मिलने लगेगी। मैं स्ट्रेचर ऑन किया हूँ जिसका रीडिंग आप देखिए दिखा रहा है। यहाँ रूम नंबर दिखा रहा है, स्ट्रेचर नंबर दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि स्ट्रेचर खाली है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रेचर पे कोई बैठा नहीं है तो नॉट ऑक्यूपाइड दिखा रहा है। जब हम स्ट्रेचर पर हाथ लगाएंगे IR सेंसर के सामने, तब ये आपको दिखाएगा कि ऑक्यूपाइड हो चुका है। देखिए ऑक्यूपाइड दिखा रहा है। मैंने 5 सेकंड का डिले दिया हुआ है जिससे कि आदमी देख सके, और ये हमें हर 5 सेकंड पे अपडेट होता रहेगा।